हे गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊंगा आपको ऐसे 5 टिप्स जिसकी वजह से आपका अर्निंग बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा और आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगा। जो हमारे न्यू बिगिनर ड्राइवर भाई है जो ओला उबर में काम कर रहे और आने वाले समय में ओला उबर में काम करना चाहते हैं उनके लिए गाइस स्पेशल वीडियो। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और आपके मन में कुछ भी सवाल होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा है, आपको वहां पे फॉलो करना और आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलो करते हैं आज की वीडियो को कंटिन्यू। तो गाइस बात करेंगे आज के वीडियो में, मैं ऐसे आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिसके वजह से आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले टिप्स की, जो होती है हमारी कार, जिसमें जो कार हम ओला उबर में अटैच करके काम कर रहे हैं। काफी सारे भाइयों को मैं देखता हूँ सुबह मॉर्निंग में जब भी गाड़ी निकलते तो भाई गाड़ी को क्लीन नहीं करते, वैसे गाड़ी को लेते और काम करते, ताकि इससे गाइस ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके बुकिंग्स पे, आपके आईडी पे। क्योंकि गाइस जितने भी हमारे जो पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, आपके काफी सारे जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके वजह से आपकी आईडी ब्लॉक होती है, आपके ट्रिप्स आना बंद होते हैं। वही रीजन में से एक है आपकी कार। कई सारे जो पैसेंजर्स ऐसे होते हैं आपकी गाड़ी में बैठते हैं, अगर आपकी गाड़ी नीट एंड क्लीन नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो वहाँ पे फीडबैक में वो सब कमेंट करते हैं और उसकी वजह से आपकी आईडी से आईडी भी ब्लॉक होती है और इसकी वजह से आपको बुकिंग आना भी बंद होता है। आपके बिजनेस में भी काफी सारे इस पे इफेक्ट गिरते हैं। तो सबसे जरूरी बात है आपको ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी ज्यादा से ज्यादा नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा रखना है। बढ़ते हमारे सेकंड टिप्स हमारा ये होता है गाइस कि सेकंड टिप्स में मैंने काफी सारे जो हमारे जो ड्राइवर्स भाई मैंने देखा, मैं खुद देखता भी हूँ ऐसे जो काफी सारे ड्राइवर्स भाई को कि उनके कपड़े मैले होते हैं, मुंह में तंबाकू गुटखा खाके पैसेंजर के साथ सामने गाड़ी चलाते। तो गाइस इसमें भी आपके आईडी पे और आपके बुकिंग्स में काफी सारा इफेक्ट गिरता है। ठीक है, आपके पीछे जो पैसेंजर बैठता है ये आप समझ लो कि आप खा रहे हो, ठीक है आप नशा करो, बट ये चीज़ें पैसेंजर को नहीं पसंद आती। कोई कितने सारे ऐसे जो पैसेंजर्स है उनको इस चीज़ बर्दाश्त नहीं होते, वोमिटिंग होते, आपके नशे के से पैसेंजर परेशान होते और वही आपको रिव्यू में फीडबैक में आपको ये कमेंट देते हैं। इसके वजह से भी गैस आपकी आईडी ब्लॉक और बंद होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। थर्ड टिप्स के बारे में बात करेंगे गाइस, आपका आता है ओला उबर की आईडी। आप ज़्यादा से ज़्यादा ओला उबर में जितना हो सके बुकिंग को कम्प्लीट कीजिए। आपका जो एक्सेप्ट रेट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और कैंसिलेशन जो रेट होता है कम से कम होना चाहिए। अगर आपको जब काम करना है तभी आप ऐप को ऑन कीजिए। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ ऐप ऑन करके रखते और बुकिंग को पास करते, बुकिंग को नहीं लेते। तो आप ये चीज़ें कर रहे हो ओला के सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है, आपके कैंसिलेशन ज़्यादा बढ़ते, आपके पास नहीं करने के रीज़न ज़्यादा बढ़ते, उसकी वजह से आपके ओला हो या उबेर हो आपको बुकिंग देना कम कर दे। अगर आपको ओला उबेर के लिए आपने गाड़ी लिया, अगर आपको ओला उबेर में बिजनेस करना है तो इस सारी बातों को ध्यान रखना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग लेना है, कैंसिलेशन कम करना है, एक्सेप्ट रेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है ताकि आपको कहीं पे भी आप हो तो आपको बुकिंग ओला और उबेर की तरफ से आना चाहिए। बात करेंगे गाइस चौथे टिप्स के बारे में, चौथा टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथे टिप्स में बात करेंगे गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टिप्स में कि आपको आपकी गाड़ी हो ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन और साफ सुथरा रखना है। सेकेंड टिप्स मैंने बताया आपको खुद को भी साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना है। इसके वजह से क्या होता है कि पैसेंजर आपको जो फीडबैक देते हैं ना, फीडबैक में आपको 5 स्टार देते हैं और जितने आपके 5 स्टार रहेंगे, जितने आपके कस्टमर आपको कमेंट करेंगे, फीडबैक में कमेंट करेंगे, उतना आपके आईडी पे इफेक्ट गिरता है। उसमें आपका आईडी अच्छा खासा ग्रोथ होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग मिलता है। ठीक है, तो कस्टमर जब भी आप उतरेंगे, पैसेंजर जब भी उतरेंगे तो कस्टमर को बोलिए फीडबैक दीजिए, फीडबैक जरूर आपको कस्टमर देते हैं। मैंने पिछले 2 सालों में यही किया, जब मैं अपनी वेगेनार चला रहा था तो मुझे वेगेनार में मैं सिर्फ उबेर के ऊपर अकेले ऐप के ऊपर मैंने कंटिन्यू 2 साल मैंने काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि किस तरीके से काम करना था। मैं काम करते गया, गाड़ी को अपने नीट एंड क्लीन रखते गया, अपने आप को मैंने क्लीन रखता था और जैसे पैसेंजर जब गाड़ी से उतरते तो मैं पैसेंजर से फीडबैक लेता था, पैसेंजर मुझे 5 स्टार देते थे, कमेंट देते थे। उसके ऊपर ही मैंने कंटिन्यू 2 साल उबेर में सिर्फ काम किया, उसके बाद मैंने ओला को ज्वाइन किया। मतलब समझ लो पूरे एक ऐप के ऊपर मैंने कंटिन्यू बुकिंग लिया और एक ही ऐप के ऊपर मैंने ज्यादा अच्छे से अच्छा अर्निंग किया। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के फीडबैक लेना है, कस्टमर को 5 स्टार ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बोलना है देने के लिए और कस्टमर को उसमें एक कमेंट भी करने बोलना है, जिसके ऊपर आपको ओला उबर से ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग आती है। पांचवे टिप्स के, ये टिप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टिप्स के ऊपर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और कस्टमर के साथ में आपका रिलेशन बढ़ा रहेगा। गाइस मैंने काफ़ी सारे वीडियो में बताया कि मैं मेरे पर्सनल ट्रिप्स करता हूँ, मेरे पर्सनल ट्रिप्स में बुकिंग लेता हूँ। तो पर्सनल ट्रिप्स आते कहाँ से मुझे? तो गाइस आपको अपने आपका एक पोस्टर बनाना है जिसको आप
के सीट के पीछे लगाना है, ठीक, एक पैम्पलेट टाइप, ठीक, जैसे कि आपका जो भी ट्रैवल्स होते हैं, जैसे कि मेरा आरओए टूर्स एंड ट्रैवल्स है, उसके नीचे आरओए टूर्स एंड ट्रैवल्स लिखना है, वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लिखना है और पर्सनल आपका नंबर वहाँ पे मेंशन करना है और वहाँ पे रेड कार्ड बनाना है। रेड कार्ड आपको चाहिए तो मैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना रेड कार्ड कैसे बनाना है, रेड कार्ड मिनी कार का रेड कार्ड क्या होता है, सेडान का रेड कार्ड क्या होता है और एसयूवी का रेड कार्ड क्या होता है, वो मैं आपको सब आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो स्पेशली मैं एक एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा कि आपको रेंटल में कितना पैसा चार्ज करना है, आउटस्टेशन में कितना पैसा चार्ज करना है, तो सब में उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका वीडियो काफ़ी बड़ा बनेगा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर बताऊंगा। इससे क्या होगा पता है कि कस्टमर जो आपके पीछे जो पैसेंजर बैठते हैं, कई सारे जो पैसेंजर होते हैं, जो लेडीज़ होते हैं, वो डायरेक्टली अपना नंबर नहीं शेयर करते या नंबर हमसे नहीं मांगते, तो अगर समझो उनको, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ओला उबर की गाड़ियाँ आउटस्टेशन जाती है, ओला उबर की गाड़ियाँ रेंटल में जाती है, ओला उबर की गाड़ियाँ मुंबई दर्शन में जाती है, तो काफ़ी पैसेंजर को नहीं पता, तो खुद की ऐड खुद ही करना सीखो। अपना जो भी टूर्स एंड ट्रैवल्स का पीछे छोटा सा स्टिकर बनाओ, जहाँ पे पीछे इस सीट के पीछे मतलब फ्रंट सीट के पीछे एक स्टिकर चिटका, वहाँ पे अपना टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम लिखो, वहाँ पे अपना फोन नंबर लिखो, हो सके तो अपना एक प्रोफाइल फोटो भी वहाँ पे रखो, ताकि उससे पैसेंजर और भी सेटिस्फाइड हो जाए और आपको मतलब खुद पैसेंजर भी खुद एक सेटिस्फाइड हो जाए आपका एड्रेस वहाँ पे और आप क्या क्या बुकिंग देना चाहते हो, कस्टमर को क्या क्या सर्विस देना चाहते हो। कस्टमर आपसे बात नहीं करेगा, बट कस्टमर जो पीछे आपका जो बैक सीट पे जो स्टिकर लगे ना, उससे कस्टमर आपको खुद ही पूछेगा कि आपके पास ये सर्विस आपको हमको मिलेगी क्या, तो इससे आपके कस्टमर बनेंगे और आपका बिजनेस भी काफ़ी बढ़ेगा। मतलब ओला उबर के जरिए ही आप अपने पर्सनल ट्रिप्स ले सकते हो, ठीक है, ओला उबर की बुकिंग कैंसिल नहीं करना, बट नेक्स्ट टाइम अगर आपके पैसेंजर को सर्विस आपकी गाड़ी नीट एंड क्लीन रहेगी, आप नीट एंड क्लीन रहोगे, आपका कस्टमर के साथ में बाउंडिंग अच्छा रहेगा, तो आपसे बुकिंग लेगा, आपको बुकिंग देगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि आपके आने वाले समय में ओला उबर के साथ में आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ये बनेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलेंगे। तो गाइज ये आज की जो मैंने 5 टिप्स आपको बताए, इसको ज़रूर फॉलो करना जो हमारे न्यू बिगिनर भाई है, जिसमें आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका अर्निंग भी बढ़ेगा और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है, तो आज का वीडियो, तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना ये पांच टिप्स मैंने आपको जो बताया ये कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइज ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में मेरे चैनल पे आपको गाइज मिलते रहेंगे, ताकि आपका अर्निंग भी बढ़े, आपका बिजनेस भी बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके, ठीक है गाइज, तो जरूर मिलते, तो चलो मिलते गाइज एक जल्दी से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।